मुझे गोली लगी, अपनी गोद में उठा के तुमने मुझे गाड़ी में बैठाया, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे गाल छुए और बार बार मेरा नाम पुकारते रहे। क्या तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? तनुजा आंखें खोलो, तनुजा, तनुजा आंखें खोलो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हाँ, हुआ था ना, इंसानियत के नाते मैंने मैंने महसूस किया था। तुमने मेरी जान बचाई तो बदले मैंने तुम्हारी जान बचाई, बस बस और कुछ नहीं, बस बस यही। हाँ, बस और कुछ नहीं। तनुजा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे ऋषि की जान बचाई। अगर आज तुम वहां ना होती तो पता नहीं क्या होता, और ये प्रपोजल, ये शादी, ये खुशी, सब कुछ तुम्हारी वजह से। ऐसे लग रहा है कि ये तुम्हारी तरफ से हमारे लिए शादी का तोहफा है। थैंक यू वंस अगेन। और देखो ना, तुम इतनी जल्दी ठीक भी हो गई, वरना मेरी शादी कैसे हो पाती? अब ऋषि, मैंने मम्मा से बात कर ली है, वो लोग बहुत खुश हैं, लेकिन शादी एक दिन बाद है और कल ही संगीत है, तो शायद वो लोग इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, शादी में मेरी तरफ से सिर्फ एक ही इंसान हो और वो है तनुजा। तनुजा, बोलो ना, तुम शादी की तैयारियों में मेरी मदद करोगी? बोलो ना तनुजा, बोलो ना, करोगी? करूंगी मलाइका। शादी के लिए मुझसे जो कुछ बनेगा मैं वो करूंगी। सुना है ऋषि ने बहुत बरसों बाद शादी के लिए हाँ की, घर में इतना खुशी का माहौल है, मैं शादी के लिए सब कुछ करूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राणो, एक बात पूछूं? सच सच जवाब देना, तूने कहीं ऋषि को एक मलाइका से शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया? सच कहूं? हाँ, किया है। एक तरह से देखा जाए तो किया है। अगर आप भी एक माँ के नजरिए से देखते ना, तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। राणो, ऋषि इस शादी के बाद खुश रह पाएगा क्या? मैंने ना ऋषि की आंखों में तनुजा के लिए जो प्यार, बस ना ही तनु और ना ही तनुजा, मलाइका ही ऋषि की बीवी बनेगी, वही हमारे घर की बहू बनेगी, समझे आप? अब आप सो जाओ, कल मेहंदी है, संगीत है, इतने सारे काम करने हैं। गुड नाइट। स्माइली, तुम्हारी रंगोली बहुत प्यारी बनी है, लेकिन कलर्स थोड़े मिल गए हैं, मैं ठीक कर दूं? हाँ। वाव, ये सुंदर रंगोली है। सो प्रिटी। चाची, ये रंगोली तनुजा दी ने बनाई है, कितनी प्रिटी है, कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा है। दिव्या, हेलो। अरे तू यहाँ पर है, मैं तुझे, लो, एक तो पहले ही इतनी खराब रंगोली बनाई है, ऊपर से और खराब कर रही है। हद है, एक रंगोली तक बनाने नहीं आती इसे।
मत बना, काफी है काफी है। अरे वाह, ये रंगोली तो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जो तूने फूल बनाए ना, ये फ्लावर्स पिंक पिंक, ये बहुत अच्छे बनाए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मम्मी जी, आपको पता है ये रंगोली किसने बनाई है? इसने, तनुजा ने। इतनी सुंदर है ना, और वो वाली रंगोली ना किस स्माइली ने बनाई? बड़ी मॉम, बनाई तो सही ना, कम से कम कोशिश तो की मैंने। Something is better than nothing. अब देखो कितनी अच्छी बनी है। हाँ, मतलब मेरे कहने का भी यही मतलब था कि अब वो अच्छी अच्छी है, अच्छी बनी है। हाँ, अच्छी है। बड़ी मॉम, अगर ये आपको रंगोली अच्छी लग रही है ना, तो सिर्फ तनुजा दी की वजह से। अरे हाँ बाबा, ठीक है ठीक है, जो करेक्शन किया है ना एकदम ठीक किया है। दिव्या, मेहंदी तैयार है? हाँ मम्मी जी, सब तैयार है। चलो गुड। और तू, अब तू सारा दिन ये रंगोली बनाती रहेगी। हाँ पता है ना, शादी वाला घर है, कितने सारे काम है। अब जल्दी से जा मलाइका को लेकर के। हाँ मेहंदी का टाइम हो गया, जा। और हाँ, सीधे मलाइका के कमरे में जाना। हाँ इधर उधर मत जाना। सुन स्माइली, जा अपने दादू को बुला कर ला। तो उनके दोस्त आए हैं ना डॉक्टर साहब। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। अमरीक आ गया है तू? आजा आजा आजा। तनुजा, ऋषि और मलाइका की शादी हो रही है, तुम खुश हो? मलाइका खुश है, ऋषि खुश है, रानू आंटी बहुत खुश है। तो मैंने तुमसे पूछा, तुम खुश हो? सब खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। सबकी खुशी में मेरी खुशी। Excuse me. यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम तनुजी की थी। ओ गॉड, ये क्यों लगा दिया मैंने? ऋषि, कैसे लग गया ये? देखो ना यार, बहुत टाइट हो गया है। मैं सांस ले पा रहा हूँ, दम घुट रहा है मेरा। हाथ नीचे करो। अरे दम घुट रहा है मेरा यार। हाथ नीचे करो, मैं ठीक करती हूँ। मेरा दम घुट रहा है, बताइए। टाइट हो गया, बहुत 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 टाइट हो गया, समझ आ रहा है। देखो मैं बट चुपचाप खड़े रहो। और ये ऊपर वाला बटन कौन बंद करता है? बंद करोगे तो सांस कैसे लोगे? Thank you. God bless you. ये तुम कमरे में क्यों आई? नहीं मतलब मैं जब भी चीखू चिल्लाऊं तुम कमरे में क्यों आती हो? नहीं उसने बाथरूम में था, टॉवल में, तो तुम कमरे में आ गए। आज तुम भेटक, मतलब तुम इतनी वेली हो, कुछ काम धाम नहीं है क्या? हाँ मतलब तुम मेरे आसपास रहती हो पूरे टाइम। अरे जॉन है, बाकी सब लोग, तुम क्यों आए कमरे में? नहीं मैं जो भी करूँ, तुम क्यों आए कमरे में? क्या कर रही हो? क्या क्या? मैं जा रही हूँ। जाओ प्लीज जाओ, दरवाजा सामने जाओ। अब चिल्लाओगे ना तो भी नहीं। अब मैं चिल्लाऊंगा लेकिन तुम मत आना। ओके ओके ओके, बाय। वापस नहीं आऊंगा। तुम आता हो वापस? अब मैं ऋषि के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है? मुझे तो लगता है मैं फिर भी जाऊंगी, लेकिन आज तो मैंने ऋषि को बोल दिया है कि वो बुलाएगा तो भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे बोलने से तो कुछ होता नहीं, होता तो वही है जो होना होता है, और जो नहीं होना होता वो नहीं होता है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो गया है मुझे? क्यों बार बार चली जाती हूँ उसके कमरे में? ऐसे मुझे नहीं चाहिए। तनुजा! अरे तुम तो डर गई। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ?
बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही हो। वो नीचे मेहंदी वाली आ गई होंगी, चलो नीचे चलते हैं। लेट्स गो। अरे अरे धीरे 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 धीरे, अबे नींबू शक्कर को घोल के जाता तो ले आई नींबू शक्कर। जी मम्मी। हाँ रख दे।